प्रॉब्लम से तक नो योर क्योंकि पता नहीं देखिए कब होगी भगवान जाने कब होगी जब लिखी है तब हो जाएगी बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं आई हैव जीरो आइडिया ये कैसे हुआ क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ मैंने उनको कभी देखा नहीं है मैंने इतना इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस रूप में नहीं क्योंकि जैसा मैंने कहा मेरी मैं एक टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है तो मेरा काम सिर्फ यह है कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं ये थोड़ा एक आप देखते रहो कि काम सही हो रहा है कि नहीं बट बहुत अंदरूनी काम देखना डिटेल्ड वर्जन में वो मेरा काम है नहीं तो इतने स्वाभाविक तौर से मेरे पास नहीं आती ये चीज़ें बट हाँ आप लोगों से मिलते हैं और ये मुझे लगता है एक जनरल चीज़ है एक एज के बाद सोसाइटी के एक प्रेशर तैयार हो ही जाता है शादी हो जानी चाहिए हो जानी चाहिए और अगर अगर कोई आपको पसंद करते हैं फैमिली वाइज भी तो वो अपनी बात सामने रखते ही है तो मुझे उसमें कोई बुराई लगती नहीं है बट हाँ बहुत ज़्यादा एक प्रेशर कब होगी कब होगी तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर ये बात कही थी कि अब इतना हो चुका है शादी कब होगी अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए अब मुझे लगता है मुझे करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि इतने क्वेश्चन आ गए कि मुझे अब तंग करने लगे क्वेश्चन क्योंकि पता नहीं देखिए कब होगी भगवान जाने कब होगी जब लिखी है तब हो जाएगी बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने काम को लेकर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी तरफ ये समय दे पाऊँ आप अट्ठाईस साल की हैं अट्ठाईस साल की कोई भी लड़की होती है तो एक तो उसके फैमिली से प्रेशर होता है कि शादी कर लो और अगर पहले तो वो लड़का खुद ढूंढते हैं फिर कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी पसंद से कोई लड़का ढूंढ सकते हो तो आपके जीवन में क्या है आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं या आप खुद कोई लड़का अपने पसंद से ढूंढना चाहेंगी और और आपकी एज में में तो तो भारत की जितनी ज़्यादातर हैज़ हैज़ फ्रेंड आपके जीवन में ऐसा फेज़ नहीं नहीं आया नहीं, मैं अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास का, समय नहीं है इन चीज़ों के लिए और इन दोनों को चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है मैं दोनों में ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैंने कहा मैंने बहुत कुछ प्लान करके नहीं रखा है देखते हैं क्या होता है और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे किसी भी तौर पे कोई प्रेशर नहीं है वो बहुत खुश हैं कि मैं खुश हूँ उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि यह खुश रहनी चाहिए जैसे भी रहे तो मुझे बहुत uh, भगवान की कृपा से अच्छी फैमिली मिली है जो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करती किसी चीज़ के लिए मेरे डिसीजन मेरे हैं मेरी अपनी फ्रीडम है मेरी अपनी ज़िंदगी है और उसके लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने मुझे ही दे, दे कर रखा देकर आपकी मैच मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं तो इसमें कितनी सच्चाई है बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी दो तीन जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी जब बहुत ज्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ मैंने उनको कभी देखा नहीं है मैंने इतना इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी के आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं तो ये फिर आपको समर् मुझे हर चीज़ में अपना काम नज़र आता है तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड uh, पार्ट है कि मतलब मुझे इस चीज़ में खुशी या हंसी या नैचुरल है इग्नोर नहीं चलता मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जुड़ गई हूँ शायद मेंटली इतना फ़र्क ना पड़े पर एक नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल इंसान होगा उसको फ़र्क पड़ेगा उसके लिए ये बड़ी बात होगी उस पर एक सोसाइटी का अलग प्रेशर होगा उसकी फैमिली पर होगा तो ये बंद होना चाहिए क्या आपको जब तक उस इंसान से डायरेक्टली खबर ना मिली हो तो आप कुछ भी ऐसी बातें ना उड़ा तो सारे लोगों को आज बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं कि उन्हें ये कि ऐसा, बंद करना हाँ चाहिए। जी बिल्कुल बंद करना चाहिए ये किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे या उनके या किसी के लिए भी ये किसी के लिए अच्छा नहीं होता है आप जब होगी और मैं बहुत ओपन हूँ इस चीज को लेकर मैंने हमेशा कहा है कि जब होगी तो बिल्कुल बता दी जाएगी एकदम छुपा के नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये छुपने वाली चीज़ नहीं है जिस दिन होगी पहले टाइम आपके पास ये खबर आ जाएगी और अभी टाइम है अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी बहुत काम कर रहे हैं और आपके लिए ही कर रहे हैं तो आप ही क्यों मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो प्लीज़ आप इन चीज़ों पर और जो कर रहे हैं मैं उन्हें नहीं कहूँगी बट राधन जो देख रहे हैं उन्हें कहूँगी कि आप मत देखिए आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए तो ज़्यादा मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे बनने की जरूरत नहीं है किसी चीज को इग्नोर करने के लिए बस इग्नोर कर दीजिए हिस्सा मत बनिए उन चीज का हिंसा करने की जरूरत नहीं है हिस्सा बनना बंद बन कर दो तो। एस्ट्रो तक ऐप आप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऐसी